वेलकम, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। जैसा कि आपको बताते चले कि बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं जो बनकर तैयार तो हो गई हैं, मगर परिस्थितियों की वजह से उन्हें रिलीज नहीं किया गया। ऐसी ही एक फिल्म है सिंगर, जो काफ़ी धूम धड़ाके के साथ लॉन्च की गई। मुहूर्त के साथ फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो गई, लेकिन कभी रिलीज नहीं की गई। इसके पीछे कोई अधिकृत जानकारी तो सामने नहीं आई है, मगर कई अपुष्ट माध्यमों से जुटाई खबरों में एक बात कॉमन है कि फिल्म के प्रोड्यूसर का अचानक एक विवाद में फंस जाने की वजह से यह बनी बनाई फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। दरअसल इस फिल्म में अजय देवगन की दोहरी भूमिका थी, जिसमें उनका एक किरदार सिंगर का जबकि दूसरा डांसर का होता है। फिल्म में दो अभिनेत्रियां नगमा और शिल्पा शिरोडकर थीं, वहीं इसका निर्देशन राजीव अग्निहोत्री ने किया था, जबकि फिल्म के निर्माता हनीफ और आसिफ थे। दरअसल फिल्म का निर्माण जब कंप्लीट हुआ, उसी अवधि में 12 मार्च 1993 को मुंबई में 13 सिलसिलेवार बम धमाके हुए। इन धमाकों की जांच की फिल्म के निर्माता हनीफ कदावाला तक भी पहुंची थी। उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब वे 3 महीने बाद जमानत पर आए, तो उन्होंने इस फिल्म की जगह अपने दूसरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में दिलचस्पी दिखाई। नतीजन सिंगर डिब्बा बंद हो गई। अब फिल्म की मुहूर्त शॉट की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें अजय देवगन एक स्टेज पर भारी भीड़ के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में 28 साल के बाद अजय देवगन के फैंस डिमांड कर रहे हैं कि इस फिल्म को रिलीज किया जाए। खैर, जो भी हो, आप लोग इस फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।